25 से, लेकिन फिर यहां से एक अच्छा खासा सपोर्ट बनते हुए नजर आया है। जय, आपकी कोई टॉपिक मेटल्स में? मनीषा, मेरा व्यू थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन है बेस मेटल्स को लेके। मुझे लगता है यहाँ पे हायर एनर्जी प्राइसेस, जिसके कारण यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। दूसरी तरफ अगर हायर एनर्जी प्राइसेस और जो एक जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से हम लोग गुजर रहे हैं, ये रहा तो यहाँ पे ग्लोबल रिसेशन होना तय है। ग्लोबल रिसेशन अगर होता है तो ओवरऑल डिमांड में गिरावट देखने को मिलेगी, तो बहुत ज्यादा मुझे अपसाइड नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पे करेंसी मूवमेंट के कारण प्राइसेस में सपोर्ट मिल सकता है डोमेस्टिक प्राइसेस पे, बट ओवरऑल मुझे लगता है प्राइसेस में प्रेशर रहेगा। मैं यहाँ करेंट लेवल से 8 से 10% का गिरावट देख रहा हूँ एल्यूमिनियम प्लस कॉपर दोनों में ही, तो मेरा व्यू यहाँ पे बुलिश नहीं है इसमें लेवल पे। ठीक है, तो करंट लेवल से जो है मानते हैं कि यहाँ से बुलिश व्यू लेकर नहीं चलेंगे, बल्कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस थोड़े से यहाँ से हल्के होते हुए दिख सकते हैं।